माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार, सभी लोगों को राम राम। मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं चैत्र नवरात्र की तैयारी कर रहा हूँ। और पता है क्या कर रहा हूँ, मैं सनातन नव वर्ष की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि 28 मार्च को गुड़ी पड़वा है, चैत्र नवरात्र का प्रारंभ है और सनातन नव वर्ष 2074 विक्रम संवत 2074 है। तो आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ चैत्र नवरात्र की बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं। मैं आपको 2074 के बारे में तो बताऊंगा ही, क्योंकि अब से लेकर 11 अप्रैल 2018 तक नव संवत्सर 2074 चलेगा, तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है वो ये, नवरात्र में करना क्या है, घट स्थापना हम किस वक्त करेंगे। तो फटाफट आप तैयार हो जाइए, और मेरा चूंकि पूजा का भी समय है, मैं पूजा की भी तैयारी आपसे बात करते करते करता रहूंगा, और हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। देखिए, ये जो नव संवत्सर है, ये नव संवत्सर है 2074, और ये युगाब्द है 5119। क्या 5119 युगाब्द है? युगाब्द का मतलब क्या, युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ था इस दिन। एक बात, 2074 का जो ये संवत्सर है इसका नाम है साधारण, और इसके राजा हैं मंगल और इसके मंत्री हैं बृहस्पति यानी गुरु। ये जो संवत्सर है ये आप लोगों के लिए बड़े काम का है। जो लोग नई शिक्षा दीक्षा चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो लोग गुरु से दीक्षित होना चाहते हैं, या वो विद्यार्थी कोई नया कार्य करना चाहते हैं, तो ये मदद करेगा, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा। जब काल महत्वपूर्ण होता है, जब देश अच्छा होता है, तो फिर हमारा समय तो खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। इसीलिए मैं भारत के सभी जनों से बहुत सालों से लगातार कह रहा हूं कि आपका समय तब बढ़िया होगा जब आपके राष्ट्र का समय बढ़िया होगा। तो राष्ट्र के लिए काम करो, अपना समय तो सदा बढ़िया हो जाएगा। तो ये जो 2074 का समय है, यह आपको बहुत सारी उपलब्धि करा सकता है। इसमें ऐसा बहुत समय है, ताकत है समय में। एक बात बताऊं आपको, इस दिन सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, इस दिन से सृष्टि प्रारंभ होती है, सृष्टि की तैयारियां चली आ रही हैं। और वह तैयारियां क्या है, आध्यात्मिक रूप से वही है जो बिग बैंग थ्योरी कहती है। वो तैयारियां चली आ रही हैं और इस दिन से वह तैयारी शुरू होती है। सृष्टि का भी हैप्पी बर्थडे है। पता है ये सृष्टि कितने साल की हो गई, 1,97,49,49,149,116 दिन। इतना लंबा समय हो गया है सृष्टि को। इसी दिन सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सूर्य से एक बड़ा टुकड़ा एक बड़ी ज्वाला के साथ टूटकर इसी दिन आता है। अब इसी दिन विक्रमादित्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं, राम जी का राज तिलक इस दिन होता है, युधिष्ठिर का राज तिलक इस दिन होता है, आर्य समाज की स्थापना इस दिन होती है, सिंध प्रदेश के रक्षक भगवान माने जाने वाले झूलेलाल जी, इसी दिन उनका प्रकटोत्सव भी मनाया जाता है। ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इस दिन का नवरात्र से क्या मतलब है? दरअसल
हम सबके अंदर एक मंडल होता है। इस मंडल के बारे में किसी दिन गहन विवेचना बाद में करूंगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। उस मंडल का मध्य बिंदु जो होता है वह शक्ति बिंदु होता है, मां का निवास वहीं है, और वहां जैसे ही ऊर्जा बढ़ती है तभी एक सृष्टि की रचना होती है। ऊर्जा बढ़ी, पृथ्वी अलग हुई, पृथ्वी पर सृष्टि की रचना हुई, और ये 1,97,39,49,116 दिन पूर्व हुआ। मां से क्या मतलब, क्योंकि उस मध्य मंडल की प्रमुख है मां शक्ति कुष्मांडा। नवरात्रि का और इस समय पे नवरात्रि के मनाने का यह सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण है आयुर्वेद, क्योंकि इस समय में शरीर और सृष्टि दोनों की प्रकृति बदल रही है। उपवास करिए, ध्यान साधना कीजिए, बढ़िया हो जाएगा। अब इस दिन को कैसे मनाना है, इस दिन को मनाने के लिए इस शब्द पे गौर कीजिए। शब्द क्या है साहब? नवरात्रि। नवरात्रि, फिर से सुनिए, नवरात्रि। दो अर्थ, नवरात्रि यानी एक नवीन रात्रि जिसके उपरांत तो सूर्योदय होता है, और वह सूर्योदय सृष्टि का सूर्योदय होता है, यानी सृष्टि का प्रथम दिन। अब मां शक्ति के अनुसार यदि देखते हैं तो नवरात्रि यानी नौ रात्रि, तो एक दिन सृष्टि के उदय के हिसाब से देखते हैं तो गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इसे सभी भारतीयों का यह नववर्ष माना जाता है। सनातन संस्कृति के अनुसार नववर्ष यह है, 1 जनवरी नहीं है। जब पूरी दुनिया बर्फ से ढकी है, पेड़ पौधे नहीं है, पक्षियों का कलरव नहीं है, सब लोग ठंड में दुबके पड़े हैं, कैसा नववर्ष, कैसा हैप्पी न्यू ईयर। यह है हैप्पी न्यू ईयर। धान, जौ, गेहूं, गन्ना, पक्षी, पशु, हम आप सब, सरसों, हर तरफ हरियाली है, खुशियां हैं, यह है नववर्ष। तो नवरात्रि अब मनाना क्या है? सब लोग दिन में मनाते हैं, खा पी के बैठ जाते हैं, और उसमें भी 9 दिन कौन वेट करे, पेट का सवाल है। 7वें दिन खा पी के बैठ जाते हैं, हलवा, पूरी, चने, ना जाने क्या क्या। नवरात्रि अगर परंपराओं का पालन करते हैं, अपने धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं, जरा पूरा कर लीजिए, 2 दिन और भूखे रह लीजिए, 10वें दिन पारण होगा। नवरात्रि यानी 9 रात साधना के हैं, सोने के नहीं, दबा के खाने के नहीं है, देसी घी में ये पक रहा है, अब फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी, अब ये पक रहा है, और वैसे क्या है, उपवास। हमारे व्रत चल रहे हैं और इतना खाए बैठे हैं इस पेट रूपी बोरे के अंदर जिसकी हद नहीं। तो शब्द याद रखिएगा, नवरात्रि 9 रात की साधना है, और साधना कैसी है, नाभि की साधना है। यत् पिंडे तत्व ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तत्व ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तत्व ब्रह्मांडे, उधर ब्रह्मांड की नाभि से ऊर्जा प्रस्फुट होती है, नवदिन का आगाज होता है, और इधर हमारी नाभि की साधना शुरू होती है, और वहां से नवजीवन का आगाज होता है। इन 9 दिन नाभि की साधना करनी है, कैसे करनी है बताता हूं, लेकिन घट स्थापना जरूर करनी है, क्योंकि मां का जो शक्ति रूप है या मां का जो प्रतीक है वह घट है। तो कलश, ऊपर नारियल, कलश के अंदर पानी जो नारियल को छू रहा होगा, निश्चित रूप से नारियल का निचला हिस्सा नीचे ही होगा, क्योंकि लोग इसको ही लेके बहुत
बातें करते हैं, ऊपर का हिस्सा ऊपर होगा कि नीचे का हिस्सा ऊपर होगा। अरे जो हिस्सा पानी सक करेगा और ऊपर की ओर खींच के लाएगा, नारियल को जिंदा रखेगा, वही हिस्सा नीचे होगा, है ना। ऊपर कैसे नीचे कैसे हो जाएगा, तो वो हिस्सा थोड़ा सा पानी में डूबा रहे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। कलश को आप वस्त्र पहनाइए, तिलक कीजिए, और ये किस समय करना है ये लिखिए। 8:26 से लेकर 10:23 तक। मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं कर सकते हैं, तो इस दिन एक अभिजित मुहूर्त भी है जो बहुत थोड़ी देर का है, वो है 12:00 से लेकर 12:49 दोपहर। इसके बाद घट स्थापना नहीं होगी। अब रह गई तो रह गई, अब शारदीय नवरात्र में कीजिएगा। वैसे ये समय कम नहीं है, इस समय में घट स्थापना कीजिए और उसके बाद आराम कीजिए। हल्का फुल्का जल फल दूध, कुछ लोग इससे भी सख्त उपवास कर सकते हैं, बिल्कुल करें। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं या बीमार लोग हैं, उन लोगों के लिए उपवास का कोई नियम नहीं है, वह स्वास्थ्य अनुसार चले। अब शाम तक आप आराम करेंगे। शब्द क्या है, नवरात्रि। अब रात की साधना, सूर्य अस्त के 48 तक प्रदोष काल। इस समय में दीप प्रज्वलित होगा, दीप प्रज्वलित होगा, माँ की आप आरती करेंगे, उसके बाद फिर हल्का फुल्का आप खा सकते हैं। और निषीद काल 8:50 के उपरांत से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त तक, यानी लगभग सभी जगह 4:30 तक। इसके बीच में देश में हर जगह का समय आ ही जाएगा, तो हर व्यक्ति 9 से 4:30 के बीच में जप करेंगे, नाभि पर ध्यान करेंगे। कैसे, गहरी सांस भरी, बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से रोक लीजिए, ऐसे करके नहीं रोकनी, आराम से रोकिए। और इतने लो पिच पर और गहरा ओम बोलिए कि नाभि में स्पंदन हो। शांति से बैठिए, 2-3 शांति से बैठने के बाद एक जप शुरू कीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै। अब ये आपकी ताकत है, आपकी श्रद्धा है कि आप ये जप कितना कर पाते हैं। तो हम तो 11 कम से कम करते हैं। क्यों, देवी देवी माँ की कृपा प्राप्त करनी है ना। और कब तक, नव रात्रि यानी 9 तक। प्रभु आप पर बहुत कृपा करें, माँ देवी की बहुत शक्ति आपको प्राप्त हो। ध्यान साधना की और बातें भी हम करेंगे इन नव रात्रि में, डिवाइन मीटिंग्स में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अचानक मेरा तो कुछ पता ही नहीं, कभी बात करने का मन हो जाए और मैं बात करूँगा, तो वह आपकी मेल पर या SMS में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी प्रभु आप पर कृपा करें। राम राम। और हम अपनी माँ को राष्ट्रमाता के रूप में देखते हैं, इसलिए हृदय से कहते हैं, और आप भी कहिए, भारत माता की जय।